हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे गले की गोलाई देने का परफेक्ट तरीका और साथ ही आपको मैं यह भी बताऊंगी कि नेक की जो विड्थ लेनी है वो आपको कितनी लेनी है और किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेनी है। देखिए, मैक्सिमम बच्चों में और बहुत ज्यादा हैवी साइज में हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कितना नेक विड्थ लेनी चाहिए, तो आज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। बस वीडियो कम्प्लीट देखिएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो रुखसार जी की रिक्वेस्ट पर है। सबसे पहले हम कोई भी एक चेस्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 36 चेस्ट का नेक निकालेंगे, यानी कि नेक की विड्थ, उसकी चौड़ाई। हमारा सीना 36 है तो 36 का हम 12वां भाग निकालेंगे, यानी कि 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 इंच निकल कर आएगा। तो ये क्या हो गई, हमारी नेक विड्थ हो गई। इस तरीके से आप किसी भी साइज का निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। गाइज, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, इस तरीके से यहां से यहां मैं 3 इंच पर निशान लगा दूंगी, ये हमारी नेक की विड्थ हो गई है। ओके, अब नेक की लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करती है और नेक हमेशा फोल्डेड साइड पे पार्क किया जाता है। नेक की लेंथ जितनी भी आपको रखनी है आप रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 5 इंच रख रही हूँ। अब आती है शेप देने की बारी, ठीक है, कि आपको शेप किस तरीके से देना है। देखिए, सबसे पहले ये जो कॉर्नर है इस पर इस तरीके से टेप को रखकर 1 इंच पर हमें एक निशान लगाना है। इस तरीके से कोने पर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ मैंने 1 इंच पर एक मार्क कर दिया, ये देखिए इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद वापस आपको 1 इंच इधर भी एक निशान लगाना है। देखिए, ये मेरी फोल्डेड साइड है। ओके, यहां पर भी मैं 1 इंच पर एक निशान लगा रही हूं और ये मैं यहां पर लगाऊंगी। ये निशान हमने 1 इंच पर लगाया यहां से यहां, उसके बाद यहां से यहां भी 1 इंच पर लगाया। अब हम इस तरफ लगाएंगे जो कि खुली साइड है, ये भी साइड में आपको 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है नेक के अकॉर्डिंग, नेक का साइज बड़ा होने पर, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें शेप दे देना है, यानी इस तरीके से मैं गोलाई दे दूंगी। ये देखिए, हमने पूरी गोलाई दे दी है। इस तरीके से जब आप नेक बनाते हैं ना, तो आपका जो परफेक्ट राउंड नेक आता है, यहाँ का साइज चेंज हो सकता है क्योंकि गले की लेंथ ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये और ये जो दो निशान मैंने बताए हैं आपको, यहाँ से यहाँ 1 इंच और यहाँ से यहाँ 1 इंच, ये आपको सभी नेक में एक जैसा ही रखना है। और इस तरीके से आपको शेप देने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप परफेक्ट राउंड दे देंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी नेक को ना यहाँ तक, गोलाई को इस तरीके से आप देते हुए यहाँ तक मत आइएगा, क्योंकि हम जब यहाँ तक आ जाते हैं ना तो यहाँ पर एक कोना निकल जाता है, ठीक है, कोना टाइप वी टाइप शेप निकल जाता है। आपको शेप देते हुए ना यहीं पर जाकर रुक जाना है, जैसे मैं रुक गई हूँ, इस तरीके से रुक जाना है। आपको यहाँ तक कभी भी नहीं आना है कोने तक, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखे। अब हम जब भी बुकरम पर कटिंग करते हैं तो हम इस तरीके से कटिंग करते हैं, 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सभी तरफ से सभी निशानों को मिला देंगे। ये देखिए, मैंने गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करके मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। पहले हमारा परफेक्ट राउंड नेक निकल कर आया है, आप इसकी गोलाई देख सकते हैं, यहाँ पर कोई कोना भी नहीं निकला है। और जो मैंने आपको नेक की चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला बताया है उसे भी आप फॉलो कीजिए। इन दोनों टिप्स को फॉलो करने के बाद आपका नेक ब्रॉड भी नहीं होगा। और सेकंड बात, आप इस तरीके से इसकी कटिंग कीजिए, यहां से आपको कुछ भी छटाई नहीं करनी है राउंड नेक में। यहां से कई लोग छटाई करते हुए आते हैं, उसके कारण भी आपका नेक फेल जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरीके से भी कटिंग करके दिखा देती हूँ। जब हम बुकरम पर कटिंग करते हैं तो हम इसी तरीके से नेक निकालते हैं। हमारा नेक की कटिंग हो चुकी है और कुछ इस तरीके से हमारा नेक निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं, परफेक्ट शेप निकल कर आ गया है। आपको बस इस तरीके को फॉलो करना है, आपका नेक फैलेगा भी नहीं और परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये राउंड नेक कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।